नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो लास्ट हाई था उसके ऊपर वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में बात करते उससे पहले हमने जो कल का जो वीडियो था साइबर टेक सिस्टम जिसके ऊपर डिस्कस किया था, उसने कल भी अपर सर्किट मारा था। आप इस ये साइबर टेक लिमिटेड का वीकली चार्ट है, पहले इस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि ये वीक जो है इसमें दो ट्रेडिंग सेशन हुए हैं और दोनों दिन अपर सर्किट लगाई है स्टॉक ने। और जो वीकली हाई आया था, जो ब्रेकआउट आया था, हमने हमारे जो लास्ट वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ से आपको परचेस करना चाहिए। फिर वीकली कंसोलिडेशन हुआ और फिर जैसे ही ब्रेकआउट आया अपर सर्किट आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको डेली चार्ट में करते हैं कि भाई हमें थोड़ा ज़्यादा ब्रेकआउट से पहले क्यों कोई स्टॉक को बाय करना चाहिए। अब देख सकते हैं कि ये हमने इस स्टॉक को यहाँ पे रेकमेंड किया था आपको 13 से 15 अक्टूबर के आसपास, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे क्लोज आया और फिर कंसोलिडेशन जोन में गया। जैसे इसने अपर ब्रेकआउट दिया है डेली और वीकली चार्ट के ऊपर, ये अपर सर्किट ही मार रहा है। यानी कि अगर आप बाय करते तो ओपन 107 हुआ और कुछ ही मिनट के अंदर वो अपर स्टॉप हो गया। और दूसरे दिन भी सेम हाल है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। यानी कि आपको बहुत ही ऊपर अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी तो आप अच्छे मुनाफा पा सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा बाय करने को चांस नहीं मिला है। तो ऐसे स्टॉक में आपको पहले से ही पोजीशन बना लेनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। रिटर्न पॉसिबल है कि आज भी काफ़ी अच्छा अपर सर्किट हो सकता है, क्योंकि उसने 135 का जो मैंने लास्ट वीडियो हमारा बनाया है जो रेजिस्टेंस था उसको भी उसने ब्रेक कर दिया है। बट अभी देखना यह है कि इतना 40% दो दिन के बढ़ने के बाद शायद यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है या स्टॉप हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। बट चांसेस है, आईटी सेक्टर का ब्राइट फ्यूचर है, तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न हो सकता है। इसका अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का जो वीडियो है वो इमेजिका कंपनी है दोस्तों। इमेजिका जो पहले एडलैब्स नाम से जानते थे और इमेजिका वर्ड्स है जो बच्चों से लेकर सब लोग जानते हैं। इसका फंडामेंटल में ऐसा है कि इस कंपनी में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ये 185 रुपये का इश्यू प्राइस था। आप में ये डेली चार्ट के ऊपर है, हम देखते हैं इसको कि अराउंड 185 रुपीज़ का था उसका इश्यू प्राइस और 5 साल के अंदर सब अच्छी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है लोगों की। तो अब इस स्टॉक में क्यों दिलचस्पी बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म में भी क्यों इसको होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, फंडामेंटल रीज़न ये है कि कंपनी की प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ डेप्ट का इश्यू है। अगर डेप्ट रिजॉल्व हो जाता है तो काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। हम इस स्टॉक को वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं। अब इस चार्ट को मैं जूम करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये 21 जून 19 का था जब 6 रुपीज के आसपास का उसका हाई था, 6.10 का हाई था और 6 रुपीज का ओपन था। फिर ये स्टॉक कभी उसको टच नहीं किया, तब तक नहीं किया जब तक ये 26 जून उस पर उसने टच किया, फिर दूसरे वीक टच किया 6.45 से और वापस आ गया। यानी कि उसने तकरीबन 6.45 का हाई बनाया था जो उसका 52 वीक हाई था। अभी लास्ट वीक 52 का तो जो 6.45 था 11 दिसंबर को वो तो तोड़ दिया है और 7.30 पे ये स्टॉक पहुंचा और क्लोज भी उसने 6.75 के ऊपर दिया है दोस्तों। यानी कि जो ये उसका रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर उसने क्लोज किया है। और आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये करंट वीक है, दो दिन के अंदर वो लो 6.35 का बनाया है और 7.40 का हाई बनाया हुआ है। यानी कि जो लास्ट डे का था उसके थोड़े ऊपर ही खुल के वापस आ गया है। तो एक थोड़ा रिस्क फैक्टर है कि सेलर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे भी ब्रेकआउट पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया है। यानी कि आया तो है अच्छा ब्रेकआउट है, अगर यहाँ से मूव अगर कैलकुलेट किया जाए 4.75 से अगर देखा जाए कि 7.33 और क्लोज 6.75 आता तो ओके मूव माना जाता है क्योंकि वॉल्यूम है। बट प्रॉब्लम एक यही है कि इसमें दूसरे दो दिन के अंदर इतना अच्छा नहीं हुआ है। अगर आपको इसमें पोजिशनल व्यू बनाना हो, क्योंकि वीकली चार्ट जो है 1 मंथ से 3 मंथ्स के ऊपर होता है, तो आप
इस जो वीक का है उसको जो लो है उसको आप इसके 4.75 है तो उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए कहीं पे, और आगे रेजिस्टेंस जो है वो 8 रुपीज़ के आसपास है पहला रेजिस्टेंस। तो अगर वो रेजिस्टेंस पार करता है तो और भी तेजी हो सकती है और ये स्टॉक भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।